अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, जिससे आपको मिलेगी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो है आपको मैं अपना सूट दिखा रही हूँ, जो कि स्टिच हो के रेडी हो गया है और हम जा रहे हैं बाहर, तो मैंने सोचा आपको जल्दी से मैं दिखा देती हूँ। और शायद आपने पिछली वीडियो में देखा हो, लेकिन पूरा फुल नहीं देखा होगा। तो यह है कि मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। और आज हम जा रहे हैं वाइट रोज़ शॉपिंग सेंटर। मेरे हस्बैंड जो है उन्हें काम से छुट्टी थी, छुट्टी तो है नहीं थी, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, उन्हें जाना था लीड्स। तो मैंने कहा कि चलो शॉपिंग के लिए अगर थोड़ा टाइम मिला तो वाइट रोज़ शॉपिंग सेंटर जो है वहाँ चले जाएंगे। तो बस अभी हम जा रहे हैं। और सफ़र जो है वो थोड़ा सा लंबा था, और सुबह जो है बच्चों को स्कूल छोड़ के हम लोग चले गए थे। तो बस जा रहे हैं अभी, हम बस में गए थे। तो यह है कि थोड़ी सी देर ज़्यादा लग गई थी, लेकिन यह है कि स्कूल बच्चों के आने से पहले पहले हम लोग वापस आ गए थे। तो ये सीनरी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी आपके लिए वीडियो जो है वो शूट कर लूँ, क्योंकि शॉपिंग सेंटर में इतना ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं, टाइम इतना नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा था हमारे पास शॉपिंग करने के लिए। तो आपको पता है कि अगर आप वाइट रोज़ गए हैं तो मेरे ख्याल में जो लीड्स के रहने वाले हैं और आसपास के जो हैं एरियाज़, उन लोगों को पता होगा कि काफ़ी बड़ा है शॉपिंग सेंटर। तो 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हमने कहा कि चलो थोड़ा टाइम है तो हम घूम फिर लेंगे थोड़ा सा। और बच्चों की अभी तक छुट्टियां नहीं हुई थी, छोटी जो है अलीशा, उसकी हॉलीडेज़ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही हैं। तो बड़े दोनों जो हैं उनकी हॉलीडेज़ फ्राइडे को हो गई हैं। तो हमने सोचा कि चलो अभी बच्चे भी नहीं हैं साथ में, अगर बच्चे साथ हों तो फिर टाइम और ज़्यादा लग जाता है। तो यह है कि मौसम भी काफ़ी अच्छा था, और आप सीनरी देख लें कितने खूबसूरत दरख्त जो हैं लग रहे हैं, ट्रीज़ और ग्रीनरी है हर तरफ। यकीन करें कि अभी जो गर्मी रही है कुछ दिनों, तो उसकी वजह से जो दरख्त और प्लांट्स हैं वो भी पीले पड़ गए थे धूप की वजह से। तो अभी जो है हम खाने के लिए थोड़ा सा रुके हैं, ये वाइट रोज़ में ही है। तो मेरे हस्बैंड जो है उन्हें भी भूख लगी हुई थी, तो हमने ये फ़िश एंड चिप्स ऑर्डर की है, और साथ में वाइट कॉफ़ी और मशी पीस वो हमने लिए थे। और यकीन करें कि बहुत ही मज़े के थे, हमने खाए और इतने ज़्यादा फुल हो गए थे कि कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। बहुत मुश्किल से हमने कॉफ़ी जो है वो फिनिश की है, और इनकी फ़िश एंड चिप्स जो है वो बहुत ही मज़े की होती है। तो आपको मेरे ख्याल में डिब्बा नज़र आ रहा होगा ये कौन सी है। और घर वापस आ गए थे, हमने बच्चों को स्कूल से पिक किया, और अभी शाम का वक्त है और मैं बना रही हूँ खाना। और हमने तो फ़िश एंड चिप्स खाए थे, तो यकीन करें कि बिल्कुल कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चे जो हैं उन्हें तो खाना था। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से कुछ बना लेती हूँ। और आज जो है मैं अंडे और आलू बना रही हूँ, वो भी शोरबे वाले। तो प्याज इसके लिए मैंने लिया था और ब्राउन कर लिया था, गोल्डन ब्राउन किया था, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है थोड़ा सा, इसे मैं फ्राई करूँगी 1-2 मिनट के लिए, और इसके बाद मसाले जो हैं वो सारे इसमें मैं डालूँगी। नॉर्मल मसाले जो डेली मैं यूज़ करती हूँ कुकिंग में, वही हैं बस। तो बस इन्हें डाल के मसाला जो है वो अच्छी तरह से बनाऊँगी। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो बहुत मज़े के बनाते थे अंडे आलू शोरबे वाले, और मैंने भी उन्हीं से सीखा था, क्योंकि पाकिस्तान में हम शोरबे वाले नहीं बनाते थे, दूसरे जो ड्राई होते हैं वो बनाते थे, या बॉइल्ड जो अंडे होते हैं और आलू शोरबे वाले वो बनाते थे। लेकिन जो आज मैं बनाने जा रही हूँ वैसे कभी नहीं उन्होंने बनाए थे, मेरी अम्मी ने। तो मेरे फादर इन लॉ बनाते थे, और यकीन करें कि वो इतने मज़े के बनाते थे कि जी चाहता था कि बस बंदा खाता ही रहे। तो अभी तो वो बहुत बूढ़े हो गए और बीमार भी हैं, अभी तो उन्हें याद भी नहीं है कि वो कैसे बनाते थे। तो
खैर मैं रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। प्याज ब्राउन किया था मैंने, और उसमें अदरक जिंजर का पेस्ट, सॉरी जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जो है वो मैंने इसमें डाला था। 1-2 मिनट उसे मैंने फ्राई किया था, और फिर टमाटर इसमें मैंने डाले थे 2 मीडियम साइज़ के। और अभी मैं मसाले डाल रही हूँ। अदरक जो है और जिंजर जो है वो मैंने डाला था, वो मैंने जो पीसा हुआ होता है वही मैंने डाला था मिक्स करके। और मसाले जो हैं, नमक इसमें मैं डाल रही हूँ, और रेड चिल्ली पाउडर डाला है, हल्दी डाली है, और सूखा धनिया और जीरा पाउडर जो है दोनों मैंने डाले हैं, और करी पाउडर जो है वो थोड़ा सा मैंने डाला है। तो अब मसाला जो है मैं फ्राई करूँगी अच्छी तरह से। तो मसाला हो गया है फ्राई, और इसमें बेबी पोटैटोज़ जो होते हैं छोटे छोटे वो इसमें मैंने डाले हैं। ये मज़े के होते हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे इनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है, और ये टूटते भी नहीं हैं तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये मैं अच्छी तरह से इन्हें भून रही हूँ आलूओं को, और फिर इसमें मैं पानी जो है वो ऐड कर दूँगी। तो पानी मैंने डाल दिया है इसमें, और अभी मैं इसे गलने के लिए रख दूंगी ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो पानी आपने इतना ही डालना है कि आलू जो है वो गल जाएं और थोड़ी सी शोरबा जो है वो रह जाए। और ये 4 अंडे मैंने लिए थे, अच्छी तरह से फेंट लिया था मैंने इन्हें, और शोरबे में मैंने डाल दिए हैं। और इसे अभी पकने के लिए मैं रख दूंगी मीडियम आंच पे, और जब ये डन हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर धनिया वगैरह मैं डाल दूंगी। और ये है दूसरे दिन की वीडियो। हम मैं और बच्चे जो हैं गए थे मॉरिसन शॉपिंग करने, साथ में स्टोर है रेंज का, तो वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा कि चलो पहले चले चलते हैं रेंज में और उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग करने। तो यहाँ से जो है मुझे वाज लेने थे फ्लावर्स वाले, जो रेडीमेड मिलते हैं। वैसे आप खुद भी चूज़ कर सकते हैं फ्लावर्स, लेकिन मुझे जो स्मॉल होते हैं रेडीमेड बने हुए मुझे वही चाहिए थे, तो वो मैंने 2 चूज़ किए थे। और साथ में कैंडल होल्डर जो होता है वो मुझे चाहिए था। दरअसल मुझे किचन में रखने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए थी, किचन की जो विंडो होती है उसमें। तो मुझे 2 पसंद आ गए थे, 2-3 वो मैंने ले लिए थे, और साथ में कैंडल होल्डर जो है वो भी मैंने ले लिया था। और बस ये हमारे करीब जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा है, और यकीन करें कि हर चीज़ जो है आपको घर की यहाँ पे मिल जाती है। तो ये मेरे बेटे ने लैंप देखे थे, उसे रूम के लिए चाहिए था ग्रे कलर में, तो उसने देखे थे लेकिन अभी लिया नहीं है। अभी हमने देखे हैं, बस कोई पसंद आ जाए तो फिर देखेंगे। और काफ़ी अच्छी लाइटिंग्स हैं इनके पास, लैंप्स वगैरह और शैंडलियर और हर तरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हैं इनके पास। तो बच्चे पता है आपको ऐसी जगहों पे आके तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, और चीज़ें जो हैं बस कभी ये लेनी है रूम के लिए, कभी ये लेनी है रूम के लिए, तो बस ये है कि उनकी लिस्ट जो है वो पूरी तैयार होती है। तो वैसे शॉपिंग पे कम ही जाते हैं क्योंकि स्कूल में होते हैं तो इतनी ज़्यादा शॉपिंग पे साथ नहीं जाते हैं, लेकिन जब हॉलीडेज होती हैं तो फिर हर ट्रिप जो है वो बच्चों के साथ ही होता है, और बच्चे भी थोड़ा चेंज मिल जाता है, बच्चे भी घर पे बोर हो जाते हैं। और बस ये जो है बस इंसान की फितरत है, हम बड़े जो हैं घर में कुछ दिन रहें, बाहर कहीं ना जाएं, कभी बीमार वगैरह हों कुछ हों बाहर ना जाएं, तो हमें भी बहुत जो है अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है, और बोरियत जो है वो काफ़ी हो जाती है। तो बच्चों का भी यही होता है, घर में रहें बस सुबह से शाम और शाम से रात और फिर सुबह, तो बस बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को लेके, हस्बैंड तो काम पे होते हैं उन्हें तो रोज़ छुट्टी मिल नहीं सकती, तो काम पे होते हैं तो यही है कि बच्चों को लेके बाहर कहीं चले जाएं, कहीं बच्चे घूम फिर लें, कभी पार्क में चले जाएं, कभी शॉपिंग वगैरह बच्चों को साथ लेके चले जाएं, कभी टाउन वगैरह में घूम फिर लें, कुछ खा पी लें वहाँ पे। तो ये है कि इसी तरह बस टाइम स्पेंड हो जाता है। ड्यूरिंग वीक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे जो है मस्जिद उन्हें जाना होता है,
और उनकी मस्जिद की टाइमिंग जो है वो भी चेंज हो जाती है और दिन के वक्त की हो जाती है, तो फिर पता नहीं चलता कि अब सुबह को जाएं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, सुबह लेट उठते हैं और फिर मस्जिद से आने के बाद भी खाना खाते हैं और 3-4 बज जाते हैं, तो उस वक्त पे भी जाने का इतना दिल नहीं करता शाम के वक्त, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है उनके आने का भी टाइम हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता कि वो घर पे आए और घर पे कोई भी ना हो और उन्हें खाना पानी देने वाला तो ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैनेज हो जाता है बस कुछ ना कुछ। तो बस शॉपिंग हमने की है, कुछ चीज़ें ली हैं वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी, और इसके बाद हमने मॉरिसन शॉपिंग की है और बच्चों ने कहा है कि उन्होंने कुछ खाना है, भूख लगी है, तो फिर हम कैफ़े है पास में वहीं पे हम गए हैं और आयशा ने जो है चाट लिया है और मैंने नान और सीख कबाब लिए हैं और सब ने हमने शेयर करके बस खाया है, और शहजाद ने बर्गर्स जो हैं वो लिए हैं, और अभी आ गए हैं हम घर वापस, और अलीशा को मैंने स्कूल से पिक किया है और उन्हें मैंने मस्जिद ड्रॉप किया है, और अभी जो है आप लोगों को मैं चीज़ें दिखा रही हूँ जो मैंने लाई हैं रेंज से, और यकीन करें कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये कैंडल होल्डर जो है, और जो वास थे फ्लावर्स वाले वो भी मुझे छोटू छोटू से बहुत अच्छे लगे थे, तो किचन विंडो के लिए जो है वो परफेक्ट है, तो ये बस अभी मैं निकाल रही हूँ, ये पैक हुए हुए थे क्योंकि ये ग्लास के बने हुए हैं, तो ये जो बबल रैप होता है प्लास्टिक, तो उसमें ये रैप हुए हुए थे सारे, तो अभी मैं सारे निकाल रही हूँ और फिर इसे मैं कैंडल होल्डर जो है उसमें डालूँगी, और साथ में एक पैकेट जो है वो कैंडल्स का भी मैं लेके आई थी, जो स्मॉल कैंडल्स होती हैं वो वाली मैं लेके आई थी, और वो इनके बीच में मैं रखूँगी। मैं एक्चुअली जो स्क्वायर वाली होती हैं वो ढूँढ रही थी, लेकिन स्क्वायर वाली मुझे मिली नहीं, तो फिर मैं इनकी जो खुशबू थी वो काफ़ी अच्छी थी और कलर्स जो थे वो भी मैच कर रहे थे, तो मैंने को सोचा कि चलो अभी के लिए मैं यही ले लेती हूँ, और बाद में इंशाल्लाह जब मुझे स्क्वायर वाले कहीं नज़र आए तो वो वाले मैं ले लूँगी, और ये जो है इसके अंदर मैं रख ली हूँ, और यकीन करें कि इतना खूबसूरत ये लग रहा था, इंशाल्लाह अगली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब इन्हें मैं विंडो में रखूँगी, तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी, और ये जो वाज हैं ये वाले मैंने लिए थे, और छोटू से एक थोड़ा सा स्काई ब्लू ब्लू कलर जैसे होता है उसमें था, और एक थोड़ा पिंकिश पर्पल कुछ ऐसे कलर में था, तो बहुत ही अच्छे लगे थे मुझे, उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएंगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे, और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।